맞출 수 있었던 것 같아요. 그런 상황에서도. BTS आर्मी, जैसा कि मैं पिछले एक हफ्ते से बोलता आ रहा हूँ कि BTS की जिंदगी से एक बार फिर से दुख और गम के बादल हट चुके हैं और फाइनली फैंस के लिए बांगतन बॉयज के सरप्राइजेस शुरू हो गए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब BTS की तरफ से फैंस के लिए किसी नई अपडेट की अनाउंसमेंट ना हो रही हो। जंगकुक की मूवी से लेकर किम तेयोंग का हर रोज इंस्टाग्राम पर आना, जेहोप का RM का इंस्टाग्राम पर फैंस को अपडेट देना, फाइनली शुगा की दुख भरी यादों को मिटा रहा है। और आज सुबह से ही BTS आर्मी इस बात का क्रेजीली इंतजार कर रही थी कि आज कोरिया में इतना बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा दिन है, तो फाइनली उनकी फेवरेट के पॉप आइडल्स आज उनसे इंटरेक्शन के लिए जरूर आएंगे। और वैसा ही हुआ जब फाइनली BTS के यंगेस्ट सुपरस्टार एक बार फिर से आर्मी के साथ न सिर्फ इंटरेक्शन करने के लिए आए बल्कि आर्मी को कोरिया में सेलिब्रेट होने वाले सबसे बड़े फेस्टिवल की विश भी थी। जी हाँ, आर्मी, मैं बात कर रहा हूँ चोस्टोक की, जो कोरिया में आज धूमधाम से सेलिब्रेट हो रहा है। हर BTS मेंबर हर साल इस फेस्टिवल को धूमधाम से मनाते हैं, फैंस को विश करते हैं, उनके नाम लेटर लिखते हैं, तो फैंस को सुबह से इंतजार था कि कब BTS मेंबर चोस्टोक की बधाई देने फैंस को आएंगे, कब व्यूवर्स पर उनका लाइव होगा, इंस्टाग्राम पर कोई अपडेट देंगे। और ये इंतजार कुछ ही देर पहले खत्म हुआ जब फाइनली BTS के यंगेस्ट सुपरस्टार जॉन जंगकुक व्यूअर्स पर लौट आए और उन्होंने आर्मी के लिए एक पोस्ट किया। हालांकि जंगकुक व्यूअर्स पर लाइव तो नहीं आ पाए क्योंकि वो मिलिट्री में है, लेकिन उन्होंने चोशोक पर सभी को विश करते हुए एक छोटा सा पोस्ट लिखा। इसमें जंगकुक बोलते हैं कि उम्मीद है सब आज इस दिन को एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी चोशोक। न सिर्फ जंगकुक बल्कि BTS के लीडर किम नामजून और जेहोप भी फैंस को इस त्यौहार को विश करना नहीं भूले और उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर आकर फैंस के लिए विशेस पोस्ट की। बाकी जो लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि चोस्टोक कोरिया में एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जो एक तरह से उनका न्यू ईयर है, जहां पर ये लोग सेप्टेम्बर से अक्टूबर के बीच अपनी पहली फसल को काट कर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सब लोगों को जंगकुक और बाकी BTS मेंबर्स की विशेस कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।